Hello, my dear students. Welcome back to the online class of English. Today, we will learn the next letter, that is, let's look at the word. The question is, your family has shifted out of Rajasthan. एक क्वेश्चन है, हम फॉर्मल लेटर है वो पढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है और इसके तहत देखो, आपका जो परिवार है वो राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो गया है. एक क्वेश्चन आया है फॉर्मल लेटर के अंतर्गत, यू हैव टू स्टडी समवेयर एल्स, और आपको क्या है, कहीं अन्य जगह पर पढ़ना है. यू नीड ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस, और इसके लिए आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है. अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होती है अभी बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन समझो. राइट एन एप्लीकेशन, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है. किसको? टू द चेयरमैन, चेयरमैन को लिखनी है, अध्यक्ष को. और चेयरमैन कहाँ का? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जिस बोर्ड के तहत, जिस बोर्ड के जरिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हो, स्कूल में अपनी जो स्कूली जो शिक्षा है उसको पूरी करते हो, उस बोर्ड के चेयरमैन को लिखना है. और देखो, राजस्थान पहले आया, अजमेर बाद में, ऐसा क्यों? राजस्थान बोर्ड के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, फिर कोमा अजमेर. इसका मतलब ये जो बोर्ड है, इसकी जो ऑफिस है, कार्यालय है इसका, वो कहाँ पर है? अजमेर में. और किस लिए लिखना है आगे बताया जा रहा है, टू इश्यू यू ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, जारी करने के लिए. अब बात यहाँ पर आती है, पहले इसको समझो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होती है. माइग्रेशन बना है देखो माइग्रेट से. माइग्रेट क्या होता है? एक होता है माइग्रेट, एक होता है ट्रांसफर. ट्रांसफर माइग्रेट का मतलब क्या है? पलायन करना, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाना. और ट्रांसफर का मतलब भी यही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर. तो फिर भी इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में यह है कि बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए, ठीक है ना, बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए और अपने आप जाने के लिए, अपने आप जाने के लिए इस तरह से. और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर भी दिया जाता है और हो भी जाते हैं, लेकिन माइग्रेट का मतलब खुद जाना है. यहाँ पर ये खुद के लिए है और इसमें दोनों बातें हैं. ये लंबी दूरी के लिए आता है और ये ज्यादा बड़ी दूरी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये कॉमन है. अब अपन कहते हैं देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट में अपन कहते हैं टीसी. अब स्कूल की जो टीसी, आप समझते हो, टीसी एक स्कूल के जरिए, स्कूल से जारी की जाती है कहीं अन्य या दूसरी स्कूल में पढ़ने के लिए, बोर्ड सेम रहता है. लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, यहां पर माइग्रेट से बना है माइग्रेशन, माइग्रेट से बना है माइग्रेशन और सर्टिफिकेट. माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? यहां पर आपको बोर्ड चेंज करना है, जैसे कि आपका राजस्थान बोर्ड है, आप दिल्ली बोर्ड से पढ़ना चाहते हो स्टेट बोर्ड से, या आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ना चाहते हो, गुजरात बोर्ड से पढ़ना चाहते हो, आंध्र प्रदेश बोर्ड से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. यदि आप CBSE में जैसे सेंट्रल बोर्ड से आप अध्ययन कर रहे हो और वो सेम बोर्ड राजस्थान में भी है और अन्य जगह पर भी है, तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपका जो लेटर है, ये एप्लीकेशन मान लो चाहे ऑफिशियल लेटर मान लो, एक ही बात है यहाँ पर है. बोर्ड का जो सचिव है, चेयरमैन का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कि चेयरमैन अध्यक्ष, यहाँ पर बोर्ड के जो अध्यक्ष को लिखना है. आप इस तरह से भी आ सकता है, जैसे कि सेक्रेटरी के लिए भी आ सकता है, बोर्ड के सचिव, सेक्रेटरी मतलब सचिव, जैसा क्वेश्चन में आता है वैसा, उसके तहत यह भी अपन समझेंगे. तो यहां पर देखो, किसको लिखने के, टू इश्यू यू ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, किसको लिखने के लिए कहा जा रहा है यहां पर? राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन, चेयरमैन को लिखने के लिए कहा जा रहा है. और यहां पर देखो सेक्रेटरी, यहां पर सेक्रेटरी भी आ सकता है, सेक्रेटरी, टू द सेक्रेटरी, इस तरह से. सेक्रेटरी का मतलब सचिव, जैसा क्वेश्चन में आता है उसी तरह से आप लिखोगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपको लिखना है. जैसे कि यहां पर आपने लिख दिया
सेक्रेटरी द सेक्रेटरी, ऐसा भी लिख दिया आप, ये भी आप लिख सकते हो। सचिव के नाम से भी क्वेश्चन में क्या है आ जाता है, जैसा क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है इसमें। अब बात अपन ये करते हैं, जैसे कि ये समझ रहे थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अपन बात कर रहे थे, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरत पड़ती है, एक स्टेट का जो बोर्ड है उससे दूसरे स्टेट का जो बोर्ड है वहां पर अध्ययन करने के लिए, दूसरे बोर्ड से अध्ययन करने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे पहले समझना ये जरूरी होता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होती है। ठीक है, तो आप समझ गए माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होती है। अब देखो इसको, इसमें आपके जो बोर्ड एग्जाम में तीन चार तरह से ये इस तरह का बोर्ड का जो सेक्रेटरी है उसके लिए लेटर आता है, जैसे कभी कभार चेयरमैन भी दे दिया जाता है, लेकिन जनरली ये सेक्रेटरी कहकर देते हैं यहाँ पर। और उसके लिए एक तो जैसे कि आपके नाम में मिस्टेक आ जाती है, आपकी जो मार्कशीट है उसकी आपकी उसमें जो आपकी नेम की जो स्पेलिंग है वो गलत हो जाती है, उसको ठीक करवाने के लिए आपको यहाँ पर क्या है क्वेश्चन दिया जाता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर है? दूसरी उसमें भी सारी डिटेल इसके सेम इसके जैसा ही लिखा जाता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है जैसे कि आपकी टेंथ की मार्कशीट है या ट्वेल्थ, मान लो चाहे ट्वेल्थ आपने की नहीं है अभी कर रहे हो इसलिए टेंथ जनरली आता है, तो टेंथ की मार्कशीट है जो आप पास कर चुके हो और आप जैसे कि ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो इस तरह से, तो वो आपकी गुम हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, या सीनियर के लिए भी आ सकता है वो डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो आपको डुप्लीकेट मार्कशीट लेने के लिए, डुप्लीकेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो चलती नहीं है, डुप्लीकेट का मतलब नकली, नकली का मतलब उसकी कॉपी, सेम कॉपी लेकिन ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल सिर्फ एक बार दी जाती है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर जो दूसरी कॉपी दी जाती है उसको डुप्लीकेट कॉपी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है वो मार्कशीट लेने के लिए क्या जरूर आपको जो प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स गुम हो चुके हैं तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो निकलवाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ आता है डुप्लीकेट कॉपी, तो वो प्राप्त करने के लिए भी लिखने के लिए कहा जा सकता है इस तरह से। तो ये क्या है जनरली तीन तरह से पूछा जाता है। चौथा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर जैसे कि आपका परमिशन लेटर नहीं पहुँचा तो उसके लिए लिखा जाता है, लेकिन ये जनरली कम आता है क्योंकि स्कूल के थ्रू आपका परमिशन लेटर है वो मंगवा दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी है वो स्कूल की होती है। तो ये तीन लेटर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको समझते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। योर फैमिली हैज शिफ्टेड आउट ऑफ राजस्थान, आपका परिवार है राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो गया है। यू हैव टू स्टडी समवेयर एल्स, आपको कहीं अन्य जगह पर पढ़ना है। यू नीड ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस, और इसके लिए आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी भी आ सकता है याद रखना, और चेयरमैन भी आ सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन या सेक्रेटरी कहाँ का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, किस लिए, टू इश्यू यू ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टू इश्यू यू ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। अब सबसे पहले क्या आप अपना एड्रेस दोगे यहाँ पर, सबसे पहले एड्रेस दोगे, और एड्रेस में देखो ये आपका मकान नंबर आ गया, या आपका जैसे कि लोकल एरिया का सी स्कीम, जैसे कॉलोनी का नाम है सी स्कीम, गुड्ढागोड़ जी, झुंझुनू, और यहाँ पर जनरली आप जैसे कि 8 मार्च को आपका पेपर होता है तो आपने डेट डाल दी 8 मार्च 2021, इस तरह से यहाँ पर कोमा देने की जरूरत नहीं है याद रखना। कई किताबों में भी ऐसा आता है यहाँ पर कोमा आती है, गलत है, डेट दो तरह से आपको बताई हुई है, जैसे कि मार्च 8 यहाँ पर कोमा देनी अनिवार्य है 2021, या तो इस तरह से डेट दोगे या फिर ये 8 है यहाँ पर लिखोगे आप यहाँ पर, तब यहाँ पर कोमा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक साथ बोला जाता है 8 मार्च 2021 एक साथ बोला जाता है ये। आगे देखो अब इसमें किसको लिखा जा रहा है, जैसे सेक्रेटरी है तो द सेक्रेटरी आ जाता है, ठीक है, और चेयरमैन है तो द चेयरमैन आ गया, जैसा क्वेश्चन में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर कहाँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जैसे बड़ा सेकेंडरी एजुकेशन बड़ा हो जाएगा इसीलिए इन दो चीज़ों को शॉर्ट में कर देते हैं, और राजस्थान इसके साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए पहले आएगा, नीचे नहीं आएगा, ये आपको पहले बता दें, इसमें गलती मत करना। देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर बाद में, ऐसा क्यों, जैसे छोटा स्थान पहले आता है बड़ा बाद में आता है, लेकिन ऐसा क्यों है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान नाम बोर्ड के नाम से जुड़ा हुआ है, और ये बोर्ड है कहाँ पर? अजमेर में, इसीलिए स्थान के तौर पर नीचे अजमेर आ गया। फिर लाइन छोड़कर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट में देखो, जनरली एक फ्रेज के तौर पर, एक फ्रेज के तौर पर क्या है यहाँ पर, या एक क्लोज के तौर पर, शॉर्ट क्लोज के तौर पर क्या है, यह सब्जेक्ट दिया जाता है। और पहला लेटर है वो कैपिटल, तो टी कैपिटल है। टू इश्यू जारी करना, जारी करने के लिए, टू इश्यू ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, बस इतना ही लिखना आपको यहाँ। सर, सर के बाद में कोमा लगा कर लिख सकते हो, या कोमा नहीं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों सही माने जाते हैं। तो ओल्ड पैटर्न है, देखो सर कोमा और नीचे से लिखना स्टार्ट किया कैपिटल लेटर से, थोड़ी सी जगह छोड़कर। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपको जैसे कि ऑफिशियल लेटर है, जॉब लेटर के अलावा और अपने लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर को लिखे जाने वाले, संपादक को लिखे जाने वाले लेटर्स है, उनकी जो शुरुआत है वो चेंज होती है, लेकिन ऑफिशियल लेटर है उसको भी आप शुरुआत अलग ढंग से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही तरह से करवा रहा हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए, आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि शुरुआत में यदि गलती यहाँ पर मिल जाती है तो मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको जैसे गलती नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में। सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, अत्यधिक आदर के साथ, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, स्टेट मतलब कहना या बताना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, वुड यहाँ पर इच्छा को शो करने के लिए आता है, और लाइक वर्ब है मॉडल के आगे। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि या बताना चाहता हूं कि आई हैव पास्ड माई सेकेंडरी, आई हैव पास्ड माई सेकेंडरी एग्जाम, मैंने मेरा जो सेकेंडरी एग्जाम है वो पास कर लिया है, मैंने मेरा क्या सेकेंडरी एग्जाम पास किया है थ्रू, थ्रू का मतलब क्या है यहां पर, के जरिए, थ्रू का मतलब क्या है, के जरिए, थ्रू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। देखो कौन से बोर्ड के जरिए मैंने मेरी टेंथ या सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब टेंथ, टेंथ पास की है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अब सेशन भी लिखना पड़ेगा कब, इन द सेशन 2019-20, 19-20 में मैंने पास की है दसवीं। माई फादर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉई का मतलब क्या है यहां पर, कर्मचारी। माई फादर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरे जो पिताजी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनके कर्मचारी हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है टू दिल्ली, कहां पर है, दिल्ली में, दिल्ली भेज दिया गया उनको। आई हैव टू, देखो हैव टू ये बाध्यता को शो करता है, आपको सेंटेंस मेकिंग में बताया था हैज टू, हैव टू के आगे क्या है, ये मजबूरी को शो करता है। तो आई हैव टू स्टडी देर, मुझे वहां पढ़ना है, देर का मतलब दिल्ली में। आई नीड ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और मुझे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है फॉर दिस, इसके लिए, क्योंकि वहां पर दिल्ली स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो आप, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है उसकी जरूरत है। माई डिटेल्स आर एज फॉलो, और मेरी जो डिटेल्स है, डिटेल की जानकारी है वो आगे दिए गए अनुसार है, और ये देखो पूरी आपको डिटेल लिखनी है, आपको पूरी डिटेल लिखनी है, नाम आपका, नेम क्या है, राजन सिंह, फादर्स नेम लिखना आपको, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है, एग्ज़ाम पास्ट, कौन सी एग्ज़ाम पास की है वो लिखना है, सेशन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपका रोल नंबर क्या था, आपकी परसेंटेज कौन सी प्राप्त की वो लिखनी है, नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से आपने पास की, स्कूल कौन सी थी, तो आपने लिख दिया गुढ़ा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, और सेंटर कौन सा था, नेम ऑफ द सेंटर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा, इस यहाँ पर आपका सेंटर था, ये आपने लिखा। इस तरह से क्या है आपको पूरी डिटेल देनी है, और इसके साथ यदि आप एक आपकी जो टेंथ की मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी है वो भी आपको यहाँ पर क्या है, उसके लिए भी आप कह सकते हो कि ये भी साथ लगा रहा हूँ मैं, तो इसके आगे और हमें लिखना है थोड़ा सा, ये डिटेल देनी है आपको। बोर्ड का जो सेक्रेटरी है उसको लिखे जाने वाले जितने भी लेटर्स है उसमें ये डिटेल देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। उसके आगे का देखो आप,
इसके आगे है, हम बाद में क्या लिखेंगे इसमें देखो। अब पैराग्राफ चेंज करना आपको यहां से, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं आई एम आल्सो एनक्लोजिंग माई जेरोक्स कॉपी ऑफ सेकेंडरी सर्टिफिकेट है उसकी मैं जेरोक्स कॉपी भी साथ लगा रहा हूं, ठीक है। किस लिए? फॉर योर काइंड कंसीडरेशन या फॉर योर पेरुजल ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं मेरी जो 10th की मार्कशीट की जो जेरोक्स कॉपी है, फोटोकॉपी है, वो भी साथ लगा रहा हूं, ओके। इसके बाद में देखो बोर्ड क्या करता है, कुछ भी आप बोर्ड से प्राप्त करते हो तो बोर्ड आपसे चार्ज लेता है और उसका चार्ज निर्धारित होता है। तो यहां पर जैसे कि चार्ज आपने जमा करवा दिया तो ये आपको ये मिलेगी आई, इसीलिए आप लिखोगे आई हैव ऑलरेडी पेड, जमा करवा दिया है मैंने पहले ही, पेड द सेड, सेड का मतलब यहां पर बताई गई, आई हैव ऑलरेडी पेड द सेड अमाउंट, मतलब राशि रुपीज, कितनी अमाउंट, जैसे कि सीधी अमाउंट के बाद में लिखो, जैसे कि 400 रुपीज द सेड अमाउंट 400। इसके बाद में द रिसिप्ट मतलब रसीद देते हैं, जो पे करवाते हैं उसकी रसीद देते हैं, द रिसिप्ट नंबर इज, नंबर क्या है उसका, जैसे कि उसका 480वां नंबर है, कुछ भी इस तरह से नंबर दिया गया है, या इस तरह से भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। द रिसिप्ट नंबर इज 4800, ये रसीद का नंबर है, ठीक, और विच है ना, या डायरेक्ट लिखो आई एम आल्सो एनक्लोजिंग दिस रिसिप्ट, मैं ये रसीद भी साथ लगा रहा हूं विद दिस एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के साथ लगा रहा हूं, बस जितनी जानकारी बतानी थी बता दी। और जैसे कि जमा कराई जाने वाली राशि के बारे में, अमाउंट के बारे में आपने बता दिया, अब पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी माई माइग्रेशन सर्टिफिकेट as early as possible, बस। और अब लिखा आपने जैसे कि किए hoping या awaiting भी लिख सकते हो, hoping to receive the certificate, the certificate का मतलब क्या है, migration certificate, soon सीधा लिख दो soon, sw, शीघ्र प्राप्त करने की आशा करते हुए, थैंकिंग यू, अब आपको धन्यवाद देकर एंडिंग कर देनी है, थैंकिंग यू, धन्यवाद। अब लाइन छोड़कर देखो, योवर्स फेथफुली आपका नाम, जो यहां नाम यहां पर था राजन सिंह है, तो यहां पर लिखोगे आप राजन सिंह, बस ये आपका क्या है, लेटर पूरा हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर एक बार लास्ट का फिर से देख सकते हो आप, आई एम ऑल्सो एनक्लोजिंग, एनक्लोज का मतलब साथ लगाना, संलग्न करना, माइक जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी ऑफ सेकेंडरी सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके क्या है कृपालु ध्यान के लिए, मतलब आपकी परख या ध्यान के लिए मैं मेरी दसवीं की मार्कशीट साथ लगा रहा हूँ, मार्कशीट दसवीं की मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी साथ लगा रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी पेड द सेड अमाउंट, बताई गई, सेड का मतलब यह बताई गई राशि मैंने पहले जमा करवा दी है कितनी, 400 रुपये, द रिसिप्ट नंबर इज, और उस रसीद का नंबर ये है, आई एम ऑल्सो एनक्लोजिंग दिस रिसिप्ट विद द एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के साथ मैं रसीद भी लगा रहा हूँ। सो लास्ट में आप देखो, सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू इश्यू मी माय माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए या जारी करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, होपिंग टू रिसीव द सर्टिफिकेट सून, जल्दी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आशा करते हुए, थैंकिंग यू, धन्यवाद, यूवर्स फेथफुली, आपका नाम, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस केस।